ग्वालियर शिवपुरी हाईवे पर घाती गांव इलाके में शराब की दुकान पर लूट की सनसनीखेज वारदात हो गई। पल्सर बाइक पर सवार होकर आए तीन लुटेरों ने रविवार शाम करीब 7:30 बजे सेल्समैन शिवम राय को पिस्टल से गोली मारी और करीब 50,000 रुपये लूट कर ले गए। एक लुटेरा बाइक पर ही बैठा रहा और दो लुटेरे उतर कर आए। एक लुटेरा दुकान के अंदर घुसा और सीधे वह कार्टन उठाया जिसमें बिक्री के रुपए रखे गए थे। तभी सेल्समैन शिवम ने टोका, इस पर पिस्टल निकाल ली। पिस्टल देखकर भी शिवम नहीं डरा और लुटेरों से जूझता रहा। तभी पिस्टल से गोली चलाई जो उसके पेट में लगी। लुटेरे रुपए लेकर भाग गए।